है इरावती नौका विहार का गेट देख सकते हैं। अभी चलते हैं अंदर और अभी हम आए हैं कुशीनगर के इरावती नौका विहार जो कि ठीक हम गेट के सामने खड़े हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं और ये ठीक गेट के अंदर अभी प्रवेश की यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे अभी कुछ काम भी चल रहा है देख सकते हैं नीचे यहाँ पे। और ये भगवान बुद्ध के मंदिर के थोड़ा सा आगे है ये और बगल में भगवान बुद्ध का स्तूप भी आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ अंदर का सीन है देख सकते हैं, ये अंदर का पूरा सीन है। अभी और चलते हैं अंदर तो ये कुछ ऐसा सीन है देख सकते हैं, छोटा सा पार्क यहाँ पर बनाया गया है जो कि यहाँ पर अंदर जाने के बाद जैसे पता लगा है तो यहाँ पर टिकट लगे। कुछ अंदर का सीन ऐसा देख सकते हैं, इस तरह से है क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बनाया गया देख सकते हैं। दोस्तों अंदर आने के बाद यहाँ भी नाव का प्रबंध किया गया है और ये एक छोटा सा नहर है देख सकते हैं, ये छोटा सा नहर है जो कि इसमें छोटी छोटी यहाँ बोटें रखी गई हैं और कुछ बोटें यहाँ पे रिपेयर हो रहा है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, बस यही सीन है देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों हम आए थे यहाँ पे पहली बार, सोचा कि चलो कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। तो जो भी है ठीक है, आप अगर कुशीनगर आते हैं बुद्धा टेंपल तो आ सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है इस वजह से ज़्यादा अभी यहाँ वो नहीं है, जब काम फाइनल हो जाएगा तो सारा लोकेशन यहाँ का देखने के लायक हो जाएगा और ये पर्यटन स्थल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, अगर आप बुद्धा टेंपल कुशीनगर आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये बुद्धा टेंपल से लमसम मान चलिए 3-4 किलोमीटर आगे है ये, यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी ख़राब है। दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे अच्छा चीज़ जो लगा है यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मेरे आई लव कुशीनगर, यहाँ जो यहाँ पे आने के बाद आप ये सबसे अच्छा लोकेशन यहीं पे है, हमको यही अच्छा लगा जो कि आई लव कुशीनगर लिखा गया है और काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आई लव कुशीनगर। कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी काम चल रहा है और यहाँ पे इसको जो गोरखपुर का रामगढ़ ताल है नौका विहार है उसी तरह से इसको बनाया जा रहा है और यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं ये छोटा सा ये पार्क इधर भी है और उधर भी छोटा सा पार्क है, वहाँ पे आके आप घूम सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे तो भैया से अभी देख सकते हैं ये हेलमेट हमारे पास भी है, पीछे हमने बैग टांगे हुए हैं। तो ये कुछ अभी काम में है पर देख सकते हैं चल रहा है, यहाँ पे लाइटें वाइटें लगी हुई हैं और सबसे अच्छा यहाँ देख सकते हैं भगवान बुद्ध का ऊपर फ़ोटो है, यहाँ पर देख सकते हैं भगवान बुद्ध का फ़ोटो है और आई लव कुशीनगर। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आई लव कुशीनगर, काफ़ी अच्छा लोकेशन इसको दिया गया है। तो ये सबसे बेस्ट लगा यहाँ का देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये है हिरवती नौका विहार, जी हाँ दोस्तों इस जगह का नाम है हिरवती नौका विहार जो कि कुशीनगर में ये ठीक बनाया गया है और यहाँ का ये लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ बनाया गया है। भाई अभी फ़िलहाल हम हिरावती नौका विहार का दर्शन कर लिए हैं और जितना मन में इच्छा जाग रही थी कि इतना अच्छा होगा लेकिन उतना भी अच्छा बना नहीं है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है और आप घूमना चाहते तो आके घूम सकते हैं। तो अभी भाई हम निकल रहे हैं घर और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।